देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास है एक गत्ता कमला पसंद का एक पेटी, और यहाँ पर है, यहाँ पर एक झाल, यहाँ पर कमला पसंद के साथ आपको पता है कि एक जर्दा में मिलता है। तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पर एक पेटी कमला पसंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या कूपन निकल रहा है, इसका एजेंसी रेट क्या है, इसमें बहुत सारा ऑफर हो गया है जो कि इस दीपावली ऑफर में, जो कि जब से दीपावली आया ना, दीपावली से एक सप्ताह पहले से ही मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑफर निकल रहा है, कूपन भी निकल रहा है और इसमें कुछ इनाम भी निकल रहा है। तो इसका होलसेल एजेंसी रेट जानेंगे, कटिंग में आप इसे कैसे सस्ता खरीद सकते हो, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। कितना रुपया फायदा होता है एक पेटी कमला पसंद बेचने पर, होलसेल रेट क्या है, रिटेलर प्राइस क्या है, एजेंसी रेट क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसे हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें कितना पीस हो गया, इसमें जो है कि पीस में भी कुछ चेंजेज हो गया है। तो सारा कुछ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जो है कि यहाँ पर मैं आपको जो है सब कुछ समझाता हूँ कि इसमें फ़ायदा वगैरह सब कुछ कितना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनबॉक्सिंग ऐसे नहीं, इधर से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कमला पसंद निकल गया है एक पेटी, ठीक। अब इसमें कूपन देखते हैं किधर है कूपन, किस साइड में है कूपन, लगता है नीचे चला गया है, सॉरी उस साइड होगा, बैक साइड में होगा कूपन। तो नीचे वाले साइड से निकालते हैं, तो देखिए इधर दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड किस तरह से इसमें चिपका हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर है कूपन, तो देखिए दोस्तों कूपन में आपको मिल जाएगा कूपन, ठीक ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों कूपन है, अब कूपन में आपको क्या मिलेगा इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीन कूपन मिला है, ठीक। यहाँ पर एक दो तीन कूपन देखिए यहाँ पर दिया हुआ। अब कूपन स्क्रैच करते हैं, देखिए कितना मिलता है, कितना यहाँ पर जो कि इनाम मिलता है हमें। एक पॉइंट का मतलब 10 रुपये होगा, यहाँ स्क्रैच करें 200, 125 यानी हो गया सब मिला करके 2, 4, 450 रुपये हो गया टोटल। यहाँ पर हमारा 450 रुपये कूपन निकल गया। थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 12.5 अंक, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 20 अंक, 20 अंक का मतलब 200 रुपया हो गया। देखिए कुछ इस तरह से है, ठीक ना। तो आपको पता होगा, अगर आप लोग कमला पसंद बेचते हो तो आपको पता होगा, यहाँ पर टोटल मिलाकर के हमारा निकल गया है 450 रुपये का कूपन निकल गया, ठीक ना। यहाँ पर जस्ट आपको 450 रुपये नगद मिल जाएगा अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो पैसे में, तब ठीक ना। जहाँ से आप लेते हो वहीं से आप जो है कि इसे एक्सचेंज कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मिलता है एक और भी कुछ मिलता है इसमें, है नहीं शायद, है नहीं, मतलब काजू का एक पैकेट मिलता है, काजू रोस्टेड काजू होता है, किसी किसी डब्बे में रहता है, किसी किसी में नहीं रहता है, तो इसमें शायद नहीं है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, इसमें टोटल पहले आता था 103 पीस, फिर हो गया 102 पीस, लेकिन आज के डेट में हो गया टोटल कितना 100 पीस का कमला पसंद हो गया है। दोस्तों अगर आप लोग पूरा एक पेटी खरीदते हो तो आज के डेट का होलसेल एजेंसी रेट है, आज के डेट का है 16,800 रुपये में 100 पीस मिलेगा, यानी एक पीस का प्राइस आप निकालेंगे ना, देखिए इसके साथ जर्दा भी मिलता है, इसमें भी आपको 100 पीस मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो एक पीस का प्राइस सिंपल सा अगर आप भाग करेंगे तो एक पीस का प्राइस 168 रुपये आएगा, लेकिन मार्केट में 168 रुपये बिक रहा है, तो यहाँ पर आपको इसका प्राइस घटाना पड़ेगा। एक जो कूपन है ना, कूपन एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, कूपन इसी में जोड़ करके सब कुछ दे रहा है, तो आपको इसे कूपन का प्राइस यहाँ पर घटाना है। देखिए दोस्तों, 16,800 में से आप माइनस कर दीजिए 500, 16,300 में से आपको करना क्या है कि
एक पीस का निकालना है तो 163 रुपये पीस आ रहा है। अब ये मार्केट में 168 रुपये पर बिकता है, यानी एक पीस बेचने पर अगर एक पीस बिकेगा तो 168 में बिकेगा, होलसेल रेट पर मैं बता रहा हूँ। अगर 168 में बिकेगा तो एक पीस बेचने पर आपको 5 रुपये का मार्जिन मिलेगा। अगर एक पीस बेचने पर 5 रुपये का मार्जिन मिल रहा है तो टोटल बिक जाएगा तो 500 रुपये का यहाँ पर आपको मार्जिन हो जाएगा। अगर आप फुटकर में एक एक पीस बेचते हो तो आपको यहाँ पर 25 से यानी टोटल तैयारी होगा 195 रुपये। अगर 5 रुपये का एक एक पीस बेचते हो, यहाँ पर मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एक एक पीस बेचते हो खोल करके, तो यहाँ पर आपका बिकेगा एक पीस 5-5 रुपये का, यानी 195 रुपये तैयारी होगा। तो यहाँ पर कम से कम 28-30 रुपया यहाँ पर आपका बचत हो जाएगा एक पूरा एक डब्बा बेचने पर। तो दोस्तों, कमला पसंद अगर आप पूरा होलसेल में बेचते हो तो कमला पसंद बेचने पर 500 रुपये का मार्जिन इस समय हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, 500 से 600 रुपये का मार्जिन होता था, कुछ ज़्यादा होता था। लेकिन यहाँ पर कूपन जो है ना, कभी ज़्यादा निकल जा रहा है तो कभी कम निकल जा रहा है। कूपन आने की वजह से थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है, कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। कभी कभी ज़्यादा कूपन निकल जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसे कटिंग में खरीदते हो तो ये आपको कितना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर कमला पसंद का बात किया जाए ना कटिंग में, तो इसका कटिंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कमला पसंद कटिंग में मिलता ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स गुटका अगर कोई ए टू जेड कोई भी गुटका ले लीजिए ना, तो गुटका में कटिंग बहुत कम ही मिलता है, मिलता ही नहीं, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा डिमांड है कि कटिंग में माल ही नहीं उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, अगर आप इसे खरीदना चाहते हो किसी भी एजेंसी से, तो 16,800 रुपये में आपको एक गत्ता कमला पसंद मिल जाएगा। अगर होलसेल एजेंसी रेट की बात किया जाए तो, अगर जैसे मान लीजिए कहीं कहीं होता है कि 16,850 रुपये होता है, तो होता है इसलिए रेट इसका ज़्यादा, क्योंकि जैसे दूरी जो होता है ना, जितना ज़्यादा दूरी रहेगा एजेंसी से लेकर के आपके दुकान पर, उसी के हिसाब से 100 रुपये 50 रुपये लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं। बस यही रीज़न है और कुछ भी नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि एक पेटी कमला पसंद कितने रुपये में इस समय आ रहा है, 16,800 रुपये में, और इस समय होलसेल रेट बेचने पर कितना रुपये मार्जिन हो रहा है। अगर आपका होलसेल का दुकान है तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले बड़े नेक्स्ट नाइट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।